मैं जानती थी तुमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छूट सकता। तो बताओ अब कौन सा नया बहाना लेकर वापस आई हो? हमें पता था कि हम जैसे ही घर में वापस आएंगे ना, अब हमसे गुस्सा उठ जाएंगे। लेकिन हम आपको सच बताएं कि क्या हुआ? बताएं? आपको पता हम ना यही सोच के इस घर से बाहर निकले थे कि अब वापस नहीं आएंगे, सच में। लेकिन हम जैसे ही रिक्शा में बैठे और अपने मायके की तरफ जाने लगे तो अभी पापा का फोन आया। दिखाएं आपको? हाँ, तब भी सच में पापा का फोन आया और पापा ने हमें बताया कि 7:30 शुरू हो गई है। हाँ, और बोले कि 3-4 दिन, कम से कम 3-4 दिन तो है ना, हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। और अगर हम जाएंगे ना सरस्वती जी, हाँ अगर हम जाएंगे ना, तो पापा ने बोला कि ससुराल वालों पे है ना मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। अब एक बात बताइए, आप बताइए दुर्गा जी, अब हमारे बीच में चाहे कितने भी मन मुटाओ, लेकिन हम ऐसे आप लोगों पे मुसीबतें तो नहीं आने दे सकते है ना। इसीलिए जैसे ही हमें पता चला ना, जैसे ही हमें पता चला, हमने फट से रिक्शा घुमवाई वापस और हम यहाँ वापस आ गए। अरे गुड्डन दादी। अरे गुड्डन तू आ गई बेटा। हाँ दादी।